सिक्किम राज्य के गांवटाक शहर में आया हूँ। सिक्किम 1975 में इंडिया में आने के बाद प्रोग्रेसिव स्टेट है। मैं इस राज्य में आने के बाद स्टेट लेवल बैंक कमेटी का मीटिंग किया, उसके बाद क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम भी किया और यहाँ की लीड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी लीड बैंक बनाया है, तो इसी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक और एक लीड बैंक सिक्किम के लिए दिया है, इसी का इनॉग्रेशन भी मैंने किया। मैं आने के बाद रिव्यू लिया और रिव्यू लेते समय इस सिक्किम राज्य में जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में बैंक ब्रांचेस का रिव्यू लिया, एटीएम का रिव्यू लिया, तो पर लाख पॉपुलेशन जो नेशनल स्टैंडर्ड है वो नेशनल स्टैंडर्ड से बैंक ब्रांचेस और एटीएम अच्छे हैं, स्टैंडर्ड से भी अच्छा काम चल रहा है। उसी के साथ कभी कभी अर्बन एरिया में बैंक ब्रांचेस ज़्यादा रहते हैं और रूरल में कम रहते हैं, तो रूरल में अगर कहीं ज़रूरत हो तो मैं बैंक ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि जहाँ बैंक की ज़रूरत है वहाँ सर्वे होना चाहिए और सर्वे के बाद अगर ज़रूरत है तो स्टेट लेवल बैंक कमेटी के माध्यम से उसी को मंजूरी देना चाहिए। पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया और एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स, जो यहाँ दो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स में गोजिंग और सोरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, इसीलिए हमारे नाबार्ड के जनरल मैनेजर एस के गुप्ता से चर्चा करके 3 फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए वैंस इस सिक्किम को देने का भी डिसीजन हो चुका है और उसी के माध्यम से देहात में जाके फाइनेंशियल लिटरेसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग फाइनेंशियल स्कीम्स को लोगों को मालूम देना और जिसकी को ज़रूरत है उनका इस स्कीम्स के माध्यम से मदद करना, ये भी बताया है। RSHATI नाम की एक स्कीम है जिसके माध्यम से देहात हो या अर्बन एरिया हो, स्किलिंग ट्रेनिंग दी जाती है फाइनेंस के बारे में, तो ऐसे एक सेंटर सिर्फ सिक्किम में है, वो ऐसे 2 सेंटर और कैसा बढ़ा सकते हैं इसी के ऊपर भी डिस्कशन हुआ और ये 2 सेंटर बढ़ाने की जगह एक बॉर्डर पे हो और दूसरा एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट हो, ये भी डिस्कशन हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ने के लिए नाबार्ड के माध्यम से अलग अलग कैंप लिए जाते हैं, कुछ पथनाट्य जैसा नाट्य ना पथनाट्य जैसे लोकनाट्य, हमारे पास लोकनाट्य जैसा स्कीम लिए जाते हैं, स्कूल में अलग अलग कंपटीशन लिए जाती है, तो ये इसी को बढ़ावा देने के लिए भी मैंने नाबार्ड के जनरल मैनेजर को बताया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों का इनकम बढ़ना, किसानों को जहां जरूरत है वहां मदद मिलना, इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड का देहात में जाके किसान सम्मेलन करके वहां किसान क्रेडिट कार्ड देना
ऐसा भी बताया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो महिलाएं जो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं उसका मार्केटिंग करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को वैंस देना, ये भी चर्चा हुई है। मेरा जो स्टेट लेवल बैंक कमेटी का जो मीटिंग हुआ उसमें नाबार्ड, आरबीआई और कोऑपरेटिव बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इन सभी के माध्यम से फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा काम चल रहा है। उसी के साथ सिक्किम के फाइनेंस सेक्रेटरी, सिक्किम के हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी, सिक्किम राज्य के स्किल सेक्रेटरी, 6 सेक्रेटरी में भी मीटिंग को थे, तो एक स्टेट और बैंकिंग का अच्छी कोऑपरेशन हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले दिन में सिक्किम में एक और फाइनेंशियल क्षेत्र में अच्छा काम हो सकता है और केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर एक गरीब हो, किसान हो, कामगार हो, हर एक को मदद मिलना चाहिए, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद। आपको कुछ पूछना चाहिए सर? अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर भी आई हुई थे, आप भी उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जो चीजें जैसे अब फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया उस हिसाब से आपको दिखा कि सिक्किम में ऐसे बैंकिंग सेक्टर से लेके फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसी बढ़ोतरी हो रही है? फाइनेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तरक्की हो रही है। पहले 2014 के पहले इस क्षेत्र में एक अविश्वास बना था, लोगों का इसी के ऊपर विश्वास नहीं था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बैंकिंग क्षेत्र में, फाइनेंशियल क्षेत्र में विश्वास बढ़ा है, विश्वास बैठा है, लोगों का अभी फाइनेंस क्षेत्र में विश्वास है। उसी के साथ हर एक को लोन देके, कम इंटरेस्ट का लोन देके उनकी इकोनॉमी इनकम बढ़ने की कोशिश हो रही है और लोगों के विश्वास तो बढ़ा है लेकिन अपेक्षा भी बढ़ी है और बिजनेस भी बढ़ रहा है। मैं बताना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने जब शपथ ली थी उसी वक्त इस देश का बजट 16 लाख करोड़ था। ये 1947 से अभी तक मतलब 70 साल में, लेकिन अभी जो बजट है 45 लाख करोड़ तक बढ़ा है। हमारी इनकम बढ़ रहे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे, उसी के साथ भारत देश दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग बोल के आगे आ रहा है और हम दुनिया में 5वीं नंबर की इकोनॉमी बन चुके हैं। सर, बैंक्स को लेके यहाँ पे सिक्किम में आपने जब भी भ्रमण किया तो बैंक्स को सिक्किम में रूरल आउटरीच कैसा है सिक्किम में, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? बैंक के आज मेरे साथ जो रेगुलेटर बोलते हैं, जो आरबीआई के हमारे जीएम साहब है बैठे, हमारे दूसरे रेगुलेटर नाबार्ड के भी बैठे और एसबीआई लीड बैंक के भी जीएम, सब तीनों स्टेट के हेड है। तो इन्हीं के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक लेवल पे अलग अलग फाइनेंशियल लिटरेसी हो, फाइनेंशियल क्या बोलते क्रेडिट हो, इसके सम्मेलन लेने के लिए मैंने बोला हूँ और जहाँ जरूरत है वहाँ हम लोन दे रहे हैं। अभी हमने 100 लोगों को लोन दिया अराउंड 7 करोड़। तो उनको पूछा मैं, तुमको कितने बार बैंक में जाना पड़ा? तो कोई बोलता एक बार, कोई बोलता दो बार, कोई बार तीन बार। बोलते बैंक्स आर बिकम फ्रेंडली विद द पीपल,
और ऊपर से उनको बैंक को पूरा समर्थन दिया है कि आप अच्छा काम करो। तो हर जो आपका जो क्वेश्चन है कि देहात में कैसा हो जाएगा रूरल एरिया में, तो रूरल में बैंक जा रहे हैं हमारे। रूरल में बैंक का ऐसा एक भी देहात नहीं है जहां लोगों का अकाउंट नहीं है। और अभी पैक्स है, पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो पैक्स को भी अधिकार दिया है। अभी अभी बताया कुछ लोगों ने, टैक्स में भी जाना, पैसे भरना, पैसे निकालना, ये भी काम हो रहा है। तो ये बैंक नीचे लेवल तक पहुंच जा रही है। सर, आपके ऑब्जर्वेशन में सिक्किम के लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी अच्छी है, मतलब इतने साउंड है या नहीं है? मेरे ऑब्जर्वेशन में सिक्किम के लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी नेशनल लेवल तक है। मुझे लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कम होगा, लेकिन वैसा नहीं है। अच्छी है, आई विल से अच्छी है, लेकिन मैं उनको बताया कि आपको ना और एक नंबर एक बनना है। फाइनेंशियल लिटरेसी हो या फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, यहाँ का बिजनेस हो, वो भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए बैंक वालों को मैं इंस्ट्रक्ट किया हूँ, इनका काम अच्छा है तो और बढ़ना चाहिए। सर, यहाँ की इकोनॉमी अगर देखा जाए और डिफरेंट बिजनेस सेक्टर भी अगर देखा जाए, तो इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर पे ही है। तो ये सब को देख के प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे आ रहे हैं, लोगों को लोन्स भी मिल रहा है, लेकिन आगे जाने के लिए सिक्किम को बैंक में इतना डिपेंड होना चाहिए या आगे के लिए अपना कुछ देखना चाहिए? कौन सा भी कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, उनको पैसा लगता है, बैंक के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। तो बैंक को एक पार्टनर बनाना है साथ में, तो भी काम चलेगा ना। समझो मैं 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे 100 करोड़ करना है, तो बैंक को साथ में लेना पड़ेगा। बैंक विल बिकम फ्रेंडली पार्टनर। आप जिसमें दो पैसा उसने कमाना, उसमें से जो बैंक का इंटरेस्ट दिया, तो खत्म होती बात। बड़ा करना है तो बैंक को साथ में लेना पड़ेगा ना, और वो ले रहे हो, और बैंक को भी वैसे इंस्ट्रक्शन है, बैंक भी मदद कर रहे हैं। आप आए नहीं अभी, आते तो ना बहुत अच्छा था। तो लोगों ने बोले, मैं एक जन तो बोला मैं एक बार ही गया, ऐसा बोला ना, मैं एक बार गया और मुझे पैसा मिला 10 लाख। तो इतना अच्छा काम हो रहा है। चलो, धन्यवाद।